please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. कर्नाटक के दावणगेरे में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कुर्बा समुदाय के एक मठ में पूजा करते दिखे। कर्नाटक के चुनावी जंग में राहुल गांधी की रणनीति मंदिर और मठों में दर्शन के जरिए अलग अलग समुदायों को पार्टी से जोड़ने की है। इसलिए कर्नाटक के अपने मौजूदा दौरे में राहुल गांधी दावणगेरे के कुर्बा मठ पहुँचे, जहाँ उन्होंने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के साथ मिलकर पूजा की। इससे पहले राहुल गांधी का मठ पर जोरदार स्वागत किया गया। कर्नाटक के नेताओं के साथ राहुल ने मठ में लगी गुरु की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए और माला पहनाई। राहुल गांधी आरती में शामिल हुए और इसके बाद मठ में लोगों से भी मुलाकात की। कर्नाटक में कुर्बा तीसरा बड़ा समुदाय है और सियासी तौर पर बेहद अहम माना जाता है। कांग्रेस की कोशिश ओबीसी कैटेगरी के कुर्बा मतदाताओं को अपनी ओर रखने की है, जो राज्य की कुल आबादी का करीब 8% है और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया इसी समुदाय से आते हैं। कर्नाटक में कुर्बा समुदाय के करीब 80 मठ है जिनसे इस समुदाय का गहरा जुड़ाव है। इसलिए चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी खासतौर पर दावणगेरे के मठ पर पहुंचे। कर्नाटक में चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला और आरोप लगाया कि दलित समुदाय के मुद्दे पर सरकार कुछ नहीं कर रही। एससी एसटी एक्ट को रद्द किया जाता है, प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। राहुल गांधी ने केंद्र की सरकार पर हमला बोलने के साथ आरएसएस को भी निशाने पर लिया। पहली बात, ये देश हाफ पैंट और लाठी से नहीं चलाया जा सकता है। चुनावी रैली में राहुल गांधी नोटबंदी और बैंक घोटाले के मुद्दे पर भी जमकर बरसे। टायर बनाने का कारोबार लगातार बढ़ रहा है और इसीलिए पर्यावरण पर इसका असर भी चिंता की वजह बन रहा है। चिंतन नाम के एक एनजीओ ने इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में बनने वाले कुल टायर के 60% टायर या तो कूड़े के ढेर तक पहुंचते हैं या फिर जला दिए जाते हैं। ये वो टायर होते हैं जिनकी उम्र पूरी हो चुकी होती है, यानी टायर पूरी तरह घिस चुके होते हैं। टायर जलाने पर निकलने वाली मीथेन और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैस पर्यावरण के लिए बेहद नुकसानदायक होती है। रिपोर्ट के मुताबिक टायर के जलने से उठने वाला धुआं कैंसर की वजह बन सकता है। इतना ही नहीं, टायर जिन जगहों पर लंबे वक्त तक कूड़े के ढेर के बीच रखे जाते हैं वहां की जमीन पर भी इसका बुरा असर होता है, जिसकी वजह से अंडरग्राउंड वाटर यानी जमीन के नीचे का पानी तक जहरीला हो सकता है। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि पुराने टायर कूड़े में फेंकने के बजाय दोबारा इस्तेमाल करने के कई तरीके हैं। मसलन कई मुल्कों में सड़क बनाने में इस्तेमाल होने वाला बिटुमेन बनाने के लिए पुराने टायर इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं। पुराने टायर या पर रबड़ चढ़ाकर उन्हें दोबारा गाड़ियों में लगाने के कारोबार को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। तो पर्यावरण को साफ बनाने के लिए सरकार से अपील की गई है कि पुराने टायरों पर कोई नीति बनाई जाए। 2016 में देश में 12,73,00,000 से ज्यादा टायर बनाए गए। इससे एक साल पहले के मुकाबले टायर के उत्पादन में 12% का इजाफा हुआ। टायर के उद्योग से जुड़े बीते साल के आंकड़े सामने नहीं आए हैं, लेकिन अनुमान के मुताबिक उत्पादन में तेजी पर कोई ब्रेक नहीं लगा।